1984 में हुए दंगों में हजारों सिखों की जान चली गई थी। आज 35 साल बाद भी सिखों के जख्म नहीं भरे हैं। ऐसे में कांग्रेस के करीबी सैम पित्रोदा के विवादित बयान से हम आहत हैं। यह कहते हुए सिख समाज इंदौर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर लोकसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम व अन्य विभाग लगातार प्रयासरत हैं और किसी न किसी कार्यक्रम को आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को इंदौर नगर निगम द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 100 से अधिक रहवासी संघ के लोगों को बीते दिनों एक आयोजन में आमंत्रित किया गया, जिसमें करीब 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह द्वारा मतदान के लिए शपथ दिलाई गई और उन्हें बताया गया कि मतदान कितना आवश्यक है और उन्हें अवश्य मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान वीवीपैट और ईवीएम मशीन का प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 19 तारीख को इंदौर लोकतंत्र के महापर्व अर्थात चुनाव के दिन की तैयारी कर रहा है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि जैसे कि सफाई में इंदौर लगातार नंबर वन बना हुआ है, वैसे ही मतदान में भी इंदौर नंबर वन रहे और लोकतंत्र की सुदृढ़ता का परिचायक होता है कि कितना वोटिंग का परसेंटेज यहाँ पर है। इसी प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए और इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर इंदौर के पूरे इंदौर शहर के 100 से अधिक रहवासी संघों के 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और उन सभी को यहाँ पर मतदान की न केवल शपथ दिलाई जाएगी बल्कि ये भी कोशिश करी जाएगी कि वो एक तरीके से हमारे चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करें और न केवल वो मतदान में पार्टिसिपेट करें बल्कि उनके जो रहवासी संघ के अंदर के लोग हैं वो सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में मतदान में भाग लें। एक विचार जो है ये भी चल रहा है कि जो रहवासी संघ हमारा इस मामले में सहयोग करेगा, लोकतंत्र को सुदृढ़ कराने में बनाने में काम करेगा और जहाँ पर 90-95% से अधिक मतदान होगा तो हम लोग भी वहाँ की जो समस्याएं होंगी या वहाँ के विकास कार्य होंगे, वैसे तो पूरा शहर ही हमारी प्राथमिकता है लेकिन हम लोग उनको विशेष प्राथमिकता देते हुए उनके सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराएंगे। तो मेरी इंदौर के सभी रहवासी संघों से अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 तारीख को मतदान में भाग लें और इंदौर को और लोकतंत्र को फिर से नंबर वन बनाएं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।